नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सीए राजेंद्र अरोड़ा है और दोस्तों आज हम इकट्ठा हुए हैं जीएसटी में रिवर्स चार्ज के प्रोविजंस को डिस्कस करने के लिए। रिवर्स चार्ज सेक्शन 9(3) और 9(4) में है सीजीएसटी एक्ट। 9(4) का रिवर्स चार्ज अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड अभी डेफर्ड है, सस्पेंडेड है और आने वाले दिनों में होपफुली वो एप्लीकेबल लिमिटेड एप्लीकेशन के साथ आ सकता है। 9(3) में कुछ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज की बात हो रही है। आज हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज की बात करेंगे। उसके लिए ओरिजिनली एक नोटिफिकेशन निकली थी 13/2017 सेंट्रल टैक्स रेट। रिवर्स चार्ज वो प्रपोजिशन है जब टैक्स सप्लायर ऑफ सर्विस नहीं बल्कि रेसिपिएंट ऑफ सर्विस खुद से पे करता है और उसका क्रेडिट लेता है। 13/2017 सेंट्रल टैक्स रेट 28 जून 2017 को आई थी। एप्लीकेशन उसकी 1 जुलाई 2017 से थी। उसके बाद आज 5 बार वो नोटिफिकेशन अमेंड हो चुकी है डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर। ओरिजिनली उसमें 9 एंट्रीज थी, अब टोटल 14 एंट्रीज हैं। एक एक करके डिफरेंट एंट्रीज की बात करेंगे। 8 एक्सप्लेनेशंस हैं, वो सारी एक्सप्लेनेशंस डिफरेंट डिफरेंट एंट्रीज से रिलेटेड हैं। उनको लिंक करके जहां जहां उनकी एप्लीकेशन होगी उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन, एक जो इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन मैं आपको इनिशियली बताना चाहता हूं कि इस नोटिफिकेशन में जो भी वर्ड्स यूज हुए हैं उन वर्ड्स की डेफिनेशन अगर यहां पर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो वो वर्ड्स अगर सीजीएसटी आईजीएसटी और एसजीएसटी एक्ट में कहीं भी डिफाइंड है तो उनकी डेफिनेशन उन एक्ट से बोरो करके इस नोटिफिकेशन पर लग जाएगी। पहली एंट्री जो है वो है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की। गुड्स ट्रांसपोर्ट यहां पर बेसिकली 3 कॉलम्स हैं। पहला कॉलम है कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज की, दूसरा सप्लायर कौन होगा और तीसरा रेसिपिएंट कौन होगा। और सबसे ज्यादा जरूरी ये जानना है कि रेसिपिएंट कौन होगा, क्योंकि रेसिपिएंट ने रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना है। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जिसने 12% टैक्स ना लगाया हो। 12% टैक्स फॉरवर्ड चार्ज में लगेगा। अगर फॉरवर्ड चार्ज में वो 12% टैक्स लगाता है तो रिवर्स चार्ज में एप्लीकेबिलिटी नहीं है। जीटीए कौन होता है, जो कि कंसाइनमेंट नोट इशू करता है, ये बात समझने वाली है। रेसिपियंट यहां पर 7 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रेसिपियंट है। पहली कोई फैक्ट्री, दूसरा कोई भी सोसाइटी रजिस्टर्ड, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड, कोई भी पर्सन जो सीजीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसके लिए सेपरेटली यही इसी नोटिफिकेशन में बताया कि बॉडी कॉर्पोरेट वो होती है जो कि कंपनीज एक्ट में डिफाइंड है। उसके बाद कोई भी पार्टनरशिप फर्म, चाहे वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, या फिर सातवीं कैटेगरी कोई भी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेसिपिएंट कौन होगा। जो रेसिपिएंट होगा वही टैक्स पे करेगा। रेसिपिएंट वो होगा जो कि फ्रेट पे करने का या तो पे करता है या लायबल फॉर पेमेंट है। तो अगर किसी ने भी फ्रेट पे की है, चाहे वो कंसाइनर है या कंसाइनी, इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसने भी फ्रेट जीटीए को पे की है वो रेसिपिएंट है। जो रेसिपिएंट है वो रिवर्स चार्ज पे करेगा। सेकेंड कैटेगरी, यहां पर एक जनवरी 2019 को एक प्रोविजो ऐड हुआ है, वो बताना आपको जरूरी है। इसमें लिखा है कि ये वाली एंट्री उन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एजेंसीज पर नहीं लगेगी जिन्होंने सिर्फ सेक्शन 51 में टीडीएस के प्रोविजंस को कंप्लाई करने के लिए रजिस्ट्रेशन लिया है। अदरवाइज उनकी आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल नहीं है। उनके ऊपर, वो रजिस्टर्ड पर्सन तो हैं लेकिन उनके ऊपर ये वाली एंट्री नहीं लगेगी। 1 जनवरी 2019 की नोटिफिकेशन 29/2018 से ये लगा। दूसरी सर्विस है एडवोकेट की सर्विस। पहली बात तो कौन सी सर्विस, लीगल सर्विस। लीगल सर्विस अगर प्रोवाइड होगी, लीगल सर्विस कौन सी हो सकती है, यहां डेफिनेशन दी गई है लीगल सर्विस की एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। कोई भी एडवाइस, कंसल्टेंसी और असिस्टेंस किसी भी ब्रांच ऑफ लॉ में, इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज, चाहे वो किसी कोर्ट, आर्बिट्रल, आर्बिट्रे ट्राइब्यूनल या किसी और अथॉरिटी के आगे रिप्रेजेंटेशनल सर्विस होगी, उसे लीगल सर्विस कहेंगे। लीगल सर्विस इंडिविजुअल एडवोकेट, फर्म ऑफ एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट के द्वारा प्रोवाइड की गई है किसी भी बिजनेस एंटिटी को। फिर क्वेश्चन आता है कि रेसिपिएंट कौन है। रेसिपिएंट वो है जो लिटिगेंट है, एप्लीकेंट है या पिटिशनर है। कोई भी एप्लीकेंट, लिटिगेंट या पिटिशनर रेसिपिएंट होगा। जो रेसिपिएंट होगा वही रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेगा। ये है बेसिकली एडवोकेट की सर्विस। तीसरी सर्विस है आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल की सर्विस। आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल की सर्विस जो है, जो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल देता है
किसको, किसी भी बिजनेस एंटिटी जो कि लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी में। रेसिपिएंट कौन हो गया, कोई भी बिजनेस एंटिटी जो लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी में। चौथी सर्विस है स्पॉन्सरशिप की सर्विस, किसने देनी है, किसी भी पर्सन ने, एनी पर्सन, किसको देनी है, बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। रेसिपिएंट कौन है, बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। यहां पर सिंपल सा फंडा है कि सप्लायर ऑफ स्पॉन्सरशिप सर्विस वो होगा जो कि पेई होगा, जिसको पैसे मिल रहे हैं, कंसिडरेशन मिल रही है, और रेसिपिएंट ऑफ स्पॉन्सरशिप सर्विस वो होगा जो कि पेई होगा, वो होगा इन बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म। पांचवी सर्विस है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सर्विसेज प्रोवाइड की जो जाती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, कोई भी सर्विस किसी भी बिजनेस एंटिटी को दे जो कि लोकल टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है। रेसिपिएंट जो कि बिजनेस एंटिटी है जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है, उसको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना है, खुद से टैक्स पे करना है, क्रेडिट खुद से लेना है। यहां पर एक्सक्लूजन है चार सर्विसेज का बेसिकली। पहला रेंटिंग ऑफ इमोबाइल प्रॉपर्टी, दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विसेज, तीसरा अगर एयरपोर्ट और किसी भी पोर्ट में कोई वेसल से रिलेटेड, एयरक्राफ्ट से रिलेटेड गवर्नमेंट ने सर्विस दी है वो, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स। अगर ये चार सर्विसेज हैं तो वो रिवर्स चार्ज में नहीं आती हैं, लेकिन इसमें से एक सर्विस अगली एंट्री, एंट्री नंबर 5A जो कि 25 जनवरी 2018 को इनकॉर्पोरेट हुई, उसको यहां पर कह दिया कि अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी ने कोई भी रेंटिंग ऑफ इमोबाइल प्रॉपर्टी की सर्विस दी है किसी भी पर्सन जो कि रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी एक्ट है, तो वो रिवर्स चार्ज में उस व्यक्ति को जो कि पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी एक्ट है रेसिपिएंट को पे करना है। मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी ने रेंटिंग ऑफ इमोबाइल प्रॉपर्टी की सर्विस दी है किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है, उस रजिस्टर्ड पर्सन को जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना है। छठी एंट्री है डायरेक्टर की सर्विसेज जो कि किसी बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी को दी जाती हैं, उस केस में डायरेक्टर ने नहीं, फॉरवर्ड चार्ज में नहीं, बल्कि उस कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट ने रिवर्स चार्ज में टैक्स जमा कराना है। सातवीं सर्विस है इंश्योरेंस एजेंट की सर्विस जो कि इंश्योरेंस कंपनी को दी जाती है, इंश्योरेंस कंपनी रिवर्स चार्ज में उस टैक्स को जमा कराना है, ना कि इंश्योरेंस एजेंट को। आठवीं सर्विस है रिकवरी एजेंट की जो कि किसी बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या एनबीएफसी को रिकवरी एजेंट की सर्विस होती है, तो बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रिवर्स चार्ज में टैक्स जमा कराना है। नाइन्थ सर्विस जो है वो ऑथर की, म्यूजिक कंपोजर की या किसी भी लिटरेरी वर्क के रिलेशन में किसी भी प्रोड्यूसर को या म्यूजिक कंपनी को दी जाती है, तो म्यूजिक कंपनी या पब्लिशर को वो सर्विस रिवर्स चार्ज में उसको टैक्स जमा कराना है, ना कि ऑथर को या म्यूजिक कंपोजर को टैक्स जमा कराना है। टेंथ सर्विस जो 13 अक्टूबर 2017 को ऐड हुई, ओरिजिनली 9 सर्विसेज थी, वो है सप्लाई ऑफ मेंबर्स बाय द ओवरसीइंग कमेटी ऑफ आरबीआई। आरबीआई रेसिपिएंट, सप्लायर जो होगा मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमेटी ऑफ आरबीआई, आरबीआई को टैक्स रिवर्स चार्ज में जमा कराना है, ना कि उन मेंबर्स को। 11वीं सर्विस 27 जुलाई 2018 को ऐड हुई और उसमें कहा अगर कोई इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, बैंकों के डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होते हैं जो कि उनके लोन प्रोडक्ट्स और डिफरेंट क्रेडिट कार्ड प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, अगर कोई इंडिविजुअल है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट फर्म और एलएलपी और वो सर्विसेज दे रहा है, रेसिपिएंट कौन होगा, सर्विसेज दे रहा है किसी भी बैंकिंग कंपनी या एनबीएफसी को, तो उस बैंकिंग कंपनी या एनबीएफसी को जो कि इंडिविजुअल उसको सर्विसेज दे रहा है रिवर्स चार्ज में टैक्स जमा कराना है। 27 जुलाई 2018 से एप्लीकेबल है। 12वीं, 13वीं, 14वीं सर्विसेज जो है वो 1 जनवरी 2019 से एप्लीकेबल है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बिजनेस फैसिलिटेटेड टू अ बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग कंपनी को रिवर्स चार्ज में जमा कराना है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो है उसको रिवर्स चार्ज में टैक्स जमा कराना है। 14वीं सर्विस जो है वो सिक्योरिटी सर्विसेज है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल, वो किसको देनी है, कौन देगा, सप्लायर कौन होगा, एनी पर्सन अदर देन ए बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, उसमें इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, एचयूएफ भी हो सकती है, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट सप्लायर होगा। और रेसिपिएंट कौन होगा, रजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, रजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, 9(3) अगर इन्वोक हो जाता है, अगर ये 13/2017 किसी भी रेसिपिएंट पर लगती है, तो सेक्शन 24 के हिसाब से उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना है।
लेकिन अगर 9(3) नहीं लगती है तो सेक्शन 24 भी इन्वोक नहीं होता। तो सेक्शन 24 तब इन्वोक होगा पहले जब 9(3) इन्वोक होगा। इस चौथी सर्विस में, सिक्योरिटी सर्विस में, 9(3) सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन पे इन्वॉल्व हो रहा है, इन्वोक हो रहा है, एनी पर्सन पे नहीं। इसका मतलब कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, कोई हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्ट सर्विसेज सेक्शन 23 में प्रोवाइड करते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। तो अगर वो सिक्योरिटी सर्विसेज एज रेसिपिएंट ले रहे हैं और वो रजिस्टर्ड नहीं है तो 9(3) इन्वोक नहीं हुआ, और 9(3) इन्वोक नहीं हुआ तो उनको सेक्शन 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों टोटल 14 सर्विसेज 13/2017 पांच बार अमेंड हुआ, पूरी नोटिफिकेशन हमने कवर की है। ये नोटिफिकेशन मैं इसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी वीडियो के हम लोग डाल रहे हैं, आप वहां से नोटिफिकेशन के कंटेंट को भी देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।